Hello everyone. I Akshita Sharma. Welcome you all back to the maths class. We are starting here chapter number four Vedic mathematics. And related to Vedic mathematics, children, we have learned five concepts that we have already applied in exercise number four point one and four point two, and also some examples that we have solved in the previous classes. The five concepts that we have learned and understood are ekadhikin. Eka newane, Eka Purven, Eka New Purven, and also Paramitra Ang. Using these concepts we have solved subtraction questions. Now, children, today we are going to learn some more concepts which we are going to apply in multiplication, division, and so on. So, let us start with today's class. Here you are going to learn multiplication based on Nikhilam Sutra. Then we are going to solve exercise 4.3. So let us start with this class. We will first understand the concept of charam ank and then we will understand nikhilam digit <clears throat> children here is the meaning charam ank of any number is its digit at units place बट ऑल डिजिट्स आर नोन एज निखिलम डिजिट इसका मतलब है कोई भी नंबर है हमारे पास थ्री डिजिट फोर डिजिट फाइव डिजिट एंड सो ऑन इसमें चरम अंक क्या होता है वो अंक जो यूनिट्स प्लेस पर होता है द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस और निखिलम डिजिट होती है बाकी सारी डिजिट उस नंबर में देखिए एग्जाम्पल चरम अंक ऑफ नंबर 427 427 में आपको दिख रहा है 7 एट यूनिट्स प्लेस तो 7 हो गया है यहाँ पर चरम अंक नाउ लुक एट निखिलम डिजिट निखिलम डिजिट क्या होगी? इस नंबर की बाकी सारी डिजिट्स 4 2 एंड 7 ओके चिल्ड्रन दिस इज नोन एज निखिलम डिजिट्स एंड चरम अंक दैट इज यूनिट्स प्लेस डिजिट नाउ लेट अस लर्न वन मोर कांसेप्ट दैट इज डेविएशन इन वेदिक मैथमेटिक्स यूजुअली 10, 100 और एनी अदर पावर ऑफ 10 इज कंसिडर्ड एज बेस द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड अब बेस इज टर्म्ड एज डेविएशन डेविएशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव सो चिल्ड्रेन हियर इट इज गिवेन अबाउट डेविएशन डेविएशन क्या होता है सबसे पहले हम बेस लेते हैं बेस क्या होता है टेन की कोई भी पावर इट कैन बी टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और सो ऑन हमें बस देखना है कि टेन हंड्रेड थाउजेंड या टेन की कोई भी पावर उसके पास में नियरेस्ट नंबर क्या है उसके अकॉर्डिंग हम बेस यूज करते हैं और बेस से हम डेवियशन किस तरह से निकालते हैं हम निकालते हैं सबसे पहले डिफरेंस डिफरेंस निकालते हैं हम वो जो नंबर दिया हुआ है और बेस को सप्ट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास मिलता है डिफरेंस दैट इज़ द डेविएशन ओनली ओके सो इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव अगर नंबर बड़ा है तो वो पॉजिटिव

क्योंकि डिजिट है हमारे पास 14 ओके फॉर एग्जांपल तो 14 को जब हम 10 से माइनस करेंगे हमें यहां मिलेगा 4 सो so 4 इज पॉजिटिव नंबर क्योंकि यहां पर नंबर है वो बेस से बड़ा है ठीक है यही है इस पॉइंट का मतलब नेक्स्ट पॉइंट इफ द नंबर इज लेसर देन द बेस देन डेविएशन इज नेगेटिव डेविएशन नेगेटिव कब होता है बच्चों अगर जो नंबर है वो बेस से छोटा है फॉर एग्जांपल अगेन बेस हमारे पास 10 ही है और नंबर है 6 okay? ओके okay. तो हम सिक्स में से जब टेन माइनस करेंगे यहां पर टेन बड़ा है तो आंसर आएगा माइनस फोर ओके तो फॉर एग्जाम्पल माइनस फोर इज नेगेटिव डेविएशन यहां पर माइनस जो लग रहा है ये इसे बना रहा है नेगेटिव देन नेक्स्ट पॉइंट परम मित्र डिजिट ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इट्स डेविएशन बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी नंबर का जो परम मित्र अंक होता है वो क्या होता है वो नेगेटिव वैल्यू हो रखता है अपने डेविएशन के साथ चलिए इन सब पॉइंट्स को हम अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे नंबर है फोर थर्टीन एंड बेस टेन यहाँ पर हमें डेविएशन क्या मिलेगा थर्टीन में से हम टेन माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो बड़ा है हमें मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन दैट इज प्लस थ्री देखे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है नंबर फॉर एग्जांपल एट ऑन द बेस ऑफ टेन यहाँ पर नंबर क्या है हमारे पास बच्चों एट और डेविएशन है टेन तो यहाँ पर डेविएशन क्या है बड़ा है तो एट में से जब हम टेन माइनस करेंगे टेन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव साइन तो माइनस हमें मिलेगा सो माइनस इज नेगेटिव डेविएशन

we will get plus 4 so this is positive deviation okay now next deviation of 11 11 may minus kariye 10 again number is bigger so here we will get plus 1 again a positive deviation now let us practice some negative deviation हेयर ऑल्सो वी विल टेक बेस एस टेन फर्स्ट डेवियशन ऑफ एट एट का डेवियशन क्या होगा यहाँ से हम टेन माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर छोटा है तो हमें क्या मिलेगा नेगेटिव डेवियशन दैट इज नेटिव टू और माइनस टू नेक्स्ट वी हैव डेवियशन ऑफ नाइन नाइन का डेविएशन क्या होगा नाइन माइनस टेन बिकॉज अगेन ही आर नाइन इज अ स्मॉलर डिजिट तो यहाँ पर मिलेगा हमें माइनस वन अगेन आर नेगेटिव डेविएशन में से माइनस करिए. बड़ा नंबर है, तो हमें मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन. 19. 19 का क्या हो जाएगा बच्चों माइनस टेन इज इक्वल टू प्लस नाइन क्योंकि 19 पर बड़ा नंबर था सो दिस इज पॉजिटिव डेवियेशन समोर क्वेश्चन ऑफ सेवन आप माइनस कर दीजिए सेवन में से टेन सेवन यहाँ पर छोटा नंबर है तो मिल जाएगा हमें माइनस थ्री नेगेटिव डेविएशन नेक्स्ट वी हैव डेविएशन ऑफ सिक्स सिक्स में से हम माइनस कर देंगे टेन फिर से सिक्स जो है छोटा नंबर है यहाँ हमें मिलेगा माइनस फोर so minus 4 is negative deviation okay children in this class we have practiced some concepts that we have learned related to deviation charamank and also nikhilam sutra in next class we will start applying them in multiplication so you practice it in the same way we will all meet in the next class thank you everyone